यदि देखा जाए तो रटलो श्रृंखला ने आपकी करंट अफेयर्स की समस्याओं को बहुत हद तक दूर किया है। पहले आप लोग हमेशा परेशान रहते थे कि सर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन जब से करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला शुरू हुई है आप लोगों को ये विश्वास है कि लगभग लगभग आपका करंट पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा और जितनी भी परीक्षाएं आप देते हैं करंट के कैसे भी प्रश्न हों और वो रटलो श्रृंखला से आपको मिल जाते हैं। सामान्य अध्ययन में लेकिन लगातार आप लोगों की एक समस्या बनी हुई थी कि सर सामान्य अध्ययन को कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस का संकलन कैसे मिले। मेरे पास भी आप लोगों के लगातार संदेश आते रहते थे। तो देखिए यहां पर रटलो श्रृंखला को आज से दो भागों में बांटा गया है। जो आपकी करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला चलती है वो अनवरत उसी ही गुणवत्ता के साथ चलती रहेगी। यहां पर एक और श्रृंखला में आपके लिए रटलो प्रारंभ कर रहा हूं जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इस समय में मुझे एक सोचने का मौका मिला और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जुड़ूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की समस्या को हल कर सकूं, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि रटलो की अब दो श्रृंखलाएं होंगी, एक पूरी सामान्य अध्ययन से संबंधित होगी और एक पूरी करंट अफेयर से संबंधित होगी। तो अब आप जहां पर एक रटलो श्रृंखला देखते थे अब आप दो रटलो श्रृंखला देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसने आपने करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला को दिया है वही इसने आप सामान्य अध्ययन की भी रटलो श्रृंखला को प्रदान करेंगे। इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर सोच पा रहा हूं और किसी भी तरह कितनी भी परेशानियां हैं अगल बगल में आप देख रहे हैं कैसा माहौल है, स्वयं से कुछ क्वेश्चन टाइप करके आप लोगों के लिए नई नई चीजें सोच पा रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप लोगों के लिए इस जीवन में जितना बेहतर से बेहतर कर सकूं जरूर करता रहूं। इसी क्रम में सामान्य अध्ययन की इस रटलो श्रृंखला के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, आपका स्नेह प्रेम इसी प्रकार मिलता रहे और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणवत्तापरक श्रृंखला आपके लिए सिद्ध होगी। आइए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। लिखा है पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। पहली सूची में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुरातात्विक स्थलों के नाम है और दूसरी सूची में खोजकर्ताओं के नाम है। हड़प्पा की खोज हम सभी लोग जानते हैं दयाराम साहनी ने की थी, तो हम पहले के सामने तीन लिख देंगे इसका सही। हस्तिनापुर की जो खोज थी, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी, तो हम इसके सामने चार लिख देंगे इसका सही मिलान चार है। तक्षशिला की जो खोज थी वो जॉन मार्शल ने की थी, तो हम इसके सामने दो लिख देंगे। और कौशाम्बी की जो खोज थी वो एनजी मजूमदार ने की थी, तो हम लास्ट के सामने एक लिख देंगे। तो हमारा सही क्रम इस हिसाब से होगा 3 4 2 1, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दो मिनट बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कर लेते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता हम इसको पहले कहते थे, लेकिन 1929 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया हम सभी लोगों से परिचित है। पहले जो प्रारंभिक हमारा जितना भी जो उत्खनन हुआ था वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन 1921-22 के बाद इसका उत्खनन गंगा नदी घाटी क्षेत्र में भी हुआ, इसलिए इसको 1921-22 के बाद उत्खनन को देखते हुए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं था, इसीलिए इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता किया गया। हड़प्पा कोई स्थान नहीं था बल्कि एक स्थल की विशेषताओं के आधार पर इसको हड़प्पा कहा गया था, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हम जब कुछ किसी सभ्यता को कहते हैं, जैसे यहां पे मैंने कहा हड़प्पा, इसको भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए पी से मतलब है पाकिस्तान के, यहां पर हम लिखेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर जो सभ्यता है सबसे प्राचीनतम सभ्यता को हरियूपिया नाम से ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, तो इस सभ्यता को हम क्या कहेंगे बताइए, हरियूपिया। तो अब हम इसको पूरा कनेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जिसको हरियूपिया कहा गया, और इस प्रकार यहां से क्या बना, हड़प्पा बना। धीरे धीरे इससे संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो हम इसके पूरे चैप्टर की व्याख्या कर लेंगे, इस प्रश्न से संबंधित इतनी व्याख्या को आप समझ लीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सी। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है, चार ऑप्शन दिए गए। इस देखिए इस प्रकृति का प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, चाहे वो लोअर पीसीएस में हो चाहे वो पीसीएस में हो, और कमीशन अक्सर आपसे इस प्रश्न को पूछता है और आप इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। आज इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडेंस में इसको कोट किया है और वहीं से कमीशन इसका सही उत्तर देता है, तो आज इसकी भावना को बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई दिक्कत ना आए। सबसे ज्यादा आपका जो कंफ्यूजन होता है वो होता है विधिक अधिकार के मत और संवैधानिक अधिकार के मत। देखिए चार ऑप्शन है, संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार।
नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार। नैसर्गिक अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। तो देखिए, नैसर्गिक अधिकार तो ये होगा नहीं, विधिक अधिकार भी नहीं होगा और मूल अधिकार भी नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि 1951 का जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उस अधिनियम की कुछ शर्तों की वैधता की जांच करते हुए एक केस हुआ, एक वाद हुआ, जो जावेद एवं हरियाणा राज्य के मध्य था, जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मध्य था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडेंस में साफ कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मूल अधिकार है और ना ही सामान्य विधिक अधिकार है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। हम सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज जो है वो संविधान के भाग 9 के आलोक में पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि पंचायती राज की व्याख्या भाग 9 में स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से की गई है। ये 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी है। इसलिए, और हम सभी लोग जानते हैं कि ना तो ये मूल अधिकार है, बिल्कुल नहीं है मूल अधिकार, और ना ही ये विधिक अधिकार है, क्योंकि सामान्य विधि द्वारा कतई प्रदान नहीं किया गया है। तो ये अधिकार हमें संवैधानिक रूप से संविधि द्वारा प्रदत्त है भाग 9 के आलोक में, क्लियर। तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो क्या होगा बताइए, ये उत्तर हमारा इसका सही होगा। अब इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? देखिए, ऐसे अगर हम इसका सही उत्तर करें तो इसका सही उत्तर होगा ऋजुपाल का, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा सा कार्य करने की जरूरत है। हम सभी लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के प्रधान थे, ये प्रश्न हमेशा आते हैं, सिद्धार्थ कहां के प्रधान थे? बज्जी संघ। सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के प्रधान थे, इनका जो व्यवहार हुआ वो त्रिशला से हुआ। त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, मतलब इनकी माता पक्ष का जो गणराज्य था वो लिच्छवी था और सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रधान थे। यहां से महावीर स्वामी पुत्र के रूप में इनको प्राप्त हुए। महावीर स्वामी का जो विवाह था वो यशोदा से हुआ था, विवाह था जो यशोदा से हुआ था। यहां तो ये चीज स्पष्ट कर लीजिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और 12 वर्ष इन्होंने कठोर परिश्रम किया और 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य जिसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ जिसको हम कहते हैं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहीं से ये कैवलिन कहलाए, यहीं से क्या कहलाए, कैवलिन कहलाए। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था यहां पर स्पष्ट रूप से कि ज्ञानोदय किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो स्पष्ट कर लीजिए, 42 वर्ष की आयु में जुम्भी ग्राम में, जुम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह कैवलिन कहलाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, ऋजुपालका होगा, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए चौथे प्रश्न की तरफ यहां पर हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उत्तर सही उत्तर चुनिए। फिर तो देखिए, फिर एक कूट वाला प्रश्न है, यहां पर साफ साफ हम लोगों को करना है। यहां पर यह भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है, आप सभी लोग देख रहे हैं और हमें इसका सही उत्तर करना है। बल्लवाचार पुष्टि मार्ग से संबंधित थे, बल्लवाचार पुष्टि मार्ग से संबंधित थे, 2 लिख देंगे। रामानुजाचार आप लोग गैस करिए, रामानुजाचार विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे तो हम 3 लिखेंगे। माधवाचार्य जो थे वो द्वैतावास से संबंधित थे तो हम 1 लिखेंगे और शंकर जो थे वो अद्वैतावास से संबंधित थे तो नीचे हम 4 लिखेंगे। तो इसका सही क्रम होगा 2 3 1 4, क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 1 और ये क्या होगा 4। तो 2 3 1 4 जो आपका क्रम है वो सी आपका बिल्कुल सही है और ये भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित था, इसलिए इसको याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा प्रयास कर रहा है आपको गुणवत्ता परक शिक्षा देने में, आलोक सर के कुशल निर्देशन में। हम लोग कितनी भी मजबूरियों में है लेकिन हम लोग लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने भी बैच हैं वो लगातार संचालित हो रहे हैं, जैसे हमारा पीसीएस का बैच है, इतनी
परेशानियों के बाद भी हमारा बैच रुका नहीं, हमारा बैच अनवरत रूप से चल रहा है। पीसीएस के दोनों ही बैच जो हमारे चल रहे थे उस पर डेली 4 से 5 लेक्चर आप लोगों को मिल रहे हैं, एक बैच में 3 लेक्चर मिल रहे हैं, और जो नया बैच हमारा शुरू हुआ था उसमें 2 मेंस की क्लास 3 घंटे की रोज और 4 प्रीलिम्स की क्लास आपको डेली मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब बंद हुआ है, हम लोग किसी भी तरह मैनेज करके चीजों को जुटे हुए हैं, क्योंकि ये बैच आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। अगर आप में से कोई भी सदस्य पीसीएस में इस समय में अगर आप लग रहे हैं कि खाली है, आप प्रयास करना चाहते हो पीसीएस के लिए प्री कम मेंस दोनों परीक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे जो हमारे डिटेल्स चल रहे हैं इन डिटेल्स पर आप बात कर लीजिए और यहाँ से आप बात करके हमारे बैच से आसानी से जुड़ सकते हैं। हम लोग लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर लगातार आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूँ और इसी भावना से देखिए नकारात्मकता का माहौल है लेकिन बहुत नकारात्मक नहीं होना है। वैकेंसीज आएंगी, ये अंधेरा भी छटेगा, नया प्रकाश आएगा। ये आपका अपने बारे में सोचने का सबसे सटीक समय है, सबसे उचित समय है कि इसमें खाली समय मिला है, आप अपने बारे में मनन करिए, अपनी पुरानी कमजोरियों को दूर करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे का सोचिए और कैसे अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हमें चीज़ों को टारगेट करना है, आगे कैसे हम अपने आप को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुलना ही है, चीज़ें सामान्य होंगी, क्योंकि हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इतनी नकारात्मकता मन में नहीं होनी चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप प्रयास शुरू करिए, आपको किसका इंतजार है, क्यों आप घर में बैठे, आप अपना रिवीजन शुरू करिए। मैं सामान्य अध्ययन की भी श्रृंखला लेके अब आप हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, आप रिवीजन शुरू करिए, कितनी भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा। टारगेट बितालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा, हम हैं, आप कह सकते हैं कि हम लोग हैं, आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं भरोसा दिलाता हूं हमेशा जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की जरूरत होगी, हमारे संस्थान की जरूरत होगी, मैं आपको खड़ा करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, आप लोगों के मैसेज आते हैं अलग अलग तरीके से, आप लोग बहुत निराश लगते हैं कि सर अब क्या होगा, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, हर विभाग में वैकेंसी है, हर विभाग में वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, नौकरी भी पाएंगे। एक फेज होता है, हर्ड लाइन भी कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है। तो जैसे एक व्यक्ति का समय होता है वैसे एक सोसाइटी का समय होता है, वैसे भी कठिनाइयां देश के समक्ष आती हैं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए आपको बहुत परेशान और निराश होने की यहां पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 5वां प्रश्न है आपका, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए बाबरनामा जो है इसका जो बेसिक नाम है, जो मूल नाम है, इसको हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, क्लियर। और इसकी जो मूल भाषा है वो तुर्की है, तुर्की है। अब लिखा है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया था लेडन ने, अनुवाद तो इसका शुरू किया था लेडन ने, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई और ये अनुवाद को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर विलियम रस्किन ने इस अनुवाद को 1810 के बाद पूरा किया। मतलब प्रारंभ तो लेडन महोदय करके गए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए, तो रस्किन महोदय ने इसको पूरा किया। इनका पूरा नाम था विलियम रस्किन, 1810 के समय में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए? ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 6वां, निम्नलिखित में से किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया? देखिए ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो अलग अलग लोगों ने कहे हैं, है ना, और अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट को कोट करके आपसे पूछा जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है? देखिए उद्देश्य का जो शब्द है संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है, मतलब उद्देश्य का संविधान के परिचय और प्रस्तावना को संदर्भित करता है। हमारे पूरे संविधान का जो उद्देश्य है वो हमारी उद्देश्य का में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस उद्देश्य का के बारे में अलग अलग विद्वानों ने, आप विकल्प देखिए, अलग अलग मत दिए हैं। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम है एन ए पालकीवाला ने उद्देश्य का के बारे में कहा है यह उद्देश्य का संविधान का परिचय पत्र है। ये प्रश्न आपसे पीसीएस में पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा
इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी जी, सभी लोगों ने नाम सुना है, के एम मुंशी जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल है। क्या है? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल है, क्या है? उद्देश्य का। ये जो स्टेटमेंट है ये के एम मुंशी जी का स्टेटमेंट है, जहां से प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? सी उत्तर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये सारे युद्ध जो दिए गए हैं, दौराहे का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, सभी आपसे पूछे गए हैं। देखिए दौराहे का जो युद्ध था वो हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। कन्नौज का जो युद्ध था वो कन्नौज का युद्ध जो था वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य था। चौसा का जो युद्ध था वो भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य था। सामूगढ़ का जो युद्ध था ये सबसे बाद में हुआ था 1658 में, ये शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुआ था, ये उत्तराधिकार का युद्ध था जिसमें हम सभी लोग जानते हैं औरंगजेब विजयी रहा था, औरंगजेब इसमें विजयी रहा था। अब जो ये तीन युद्ध हुए थे, इन तीन युद्धों को आपको देखना है कि कब कब हुए थे। तो देखिए जो दौराहे का जो युद्ध हुआ था जिसमें अफगान सेनाओं की हार हुई थी ये 1532 का है, 1532 का। इसके बाद जो कन्नौज का आपका युद्ध हुआ था ये 1540 का है, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। कौन सा? कन्नौज का युद्ध, ये 1540 का है। अब बचा चौसा का युद्ध, चौसा का जो युद्ध है वो 1539 का है और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। यहां पे भी ये कहां का है? 1539 का है चौसा का युद्ध। अब हमें अगर क्रम से लगाना है तो हम लगा सकते हैं, सबसे पहले ये होगा एक नंबर, फिर 1532 में हुआ, फिर चार नंबर होगा 1539 में हुआ, फिर दो नंबर होगा और फिर तीन नंबर होगा। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? बी उत्तर हमारा यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आइए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वैवेल योजना। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब की है? 1928 की है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरा आपका अगस्त प्रस्ताव है, 8 अगस्त 1940 का है, हम सभी लोग जानते हैं इसकी डेट पूछी जाती है, 8 अगस्त 1940 का ये प्रस्ताव है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब तीसरी स्थिति में, तो इसके बाद जो आपका तीसरा है वो क्रिप्स मिशन है मार्च 1942 का, ये मार्च 1942 का है। और सबसे बाद में आपकी बैवेल योजना है, तो जो बैवेल योजना जिसका सन है 14 जून 1945, ये 1945 का है। तो अब इस हिसाब से अगर हम लोग इसका सही क्रम चुनते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा, 3214, 3214 बी ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। आइए नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इस स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। बहुत आसान शब्दों में मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अब सबसे पहले अनुच्छेद 358 से यह संबंधित है, इसको समझ लीजिए, क्लियर। लिखा है अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो इसकी सही व्याख्या यह होगी, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। मतलब किस किस के आधार पर? या तो युद्ध या तो बाह्य आक्रमण। यहां पे क्या लिखा है? सशस्त्र विद्रोह, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जो पहला वाला है वो आपका क्या है? गलत है। दूसरा, 359 इसकी व्याख्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। बिल्कुल, आपातकाल के दौरान यदि आप अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा समावेदन करते हैं उच्चतम न्यायालय में, तो राष्ट्रपति 359 के द्वारा उस अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत है ना। तो जो दूसरा वाला है वो आपका बिल्कुल सही है। एक और बात आप समझ लीजिए, अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता,
बल्कि अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप से अधिकार हमारे रहते हैं, बल्कि उनका प्रबंधन प्रवर्तन क्या रहता है, निलंबित रहता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो केवल दो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न है आपका, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। क्लियर, तो देखिए पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी, इस प्रश्न के हिसाब से ये पेरियार उत्तर आपका सही होगा। चेरुथानी जो बांध है वो इदुक्की जिला जो है आपका कहां पे, केरल में। केरल में जो इदुक्की जिला है वहां इदुक्की जिले में केरल में स्थित है। और पेरियार की एक सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं चेरुनथनी नदी है। ये किसकी नदी है, पेरियार की सहायक नदी। तो यदि हम लोग वास्तव में रूप से देखें तो यह पेरियार की सहायक जो नदी है चेरुनथनी नदी पर बनाया गया है, हाँ, और केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। यहां पर इससे विद्युत शक्ति बनाई जाती है जिससे आसपास के स्थानों को विद्युत आपूर्ति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, पेरियार में। ग्यारहवां प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। देखिए चित्रकूट, एक तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, समय रामायण चल भी रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछा गया चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात पहले तो आप जान लीजिए एक प्राकृतिक जलप्रपात है। यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है और यह बस्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है, बस्तर में स्थित है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या करता हूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, जगदलपुर के समीप इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ के कहां पर, बस्तर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और एक प्राकृतिक जलप्रपात है तो नदी भी याद रखना है। निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है, यह तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, सरसों, धान, गेहूं, मक्का। तो देखिए सरसों बुआई की फसल है, गेहूं भी बुआई की फसल है और मक्का भी बुआई की फसल है। धान एक ऐसी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है ना, तो धान की फसल की रोपाई की जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, बताइए, बी उत्तर है आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेरहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव भूगोल के संदर्भ में सर्म्स और बुलीज क्या है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्म्स और बुलीज के बारे में। चलिए आप गैस करने की कोशिश करिए कि मानव भूगोल के संदर्भ में सर्म्स और बुलीज आपके क्या हैं, यहां पे आप इसको स्पष्ट करिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सर्म्स और बुलीज जो है यहां पर चरम मौसम की स्थितियों में राहत प्रदान करने वाली स्थानीय पवने हैं, गलत है। विश्वभर में उगाई जाने वाली चाय की किस्में हैं, यह भी आपका गलत है। दुग्ध उत्पादन में भैंस की नस्लें हैं, यह भी आपका गलत है। लेकिन चौथा आपका बिल्कुल यहां पर सही है, जहां पर लिखा हुआ है कि जनजातियों द्वारा निर्मित आश्रय स्थान है, तो डी आपका बिल्कुल सही है। अब समझ लीजिए, सर्म्स जो है कांटेदार वृक्ष के नीचे खोदे गए एक स्थान से जो झाड़ियों से घिरा होता है। बुशमैन जनजाति के सदस्य छोटे छोटे पारिवारिक समूहों में जब यात्रा करते हैं तो सर्म्स में निवास करते हैं। देखिए सर्म्स से आशय क्या है, कांटेदार जो आपकी झाड़ियां होती हैं उसके नीचे एक गड्ढा खोद लेते हैं और सामूहिक रूप से जो बुशमैन प्रजाति के लोग होते हैं, जो पारिवारिक यात्रा करते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं वो इसमें निवास करते हैं। तो जनजातियों द्वारा निर्मित आश्रय स्थान है। इसी प्रकार वुरलीज क्या है ये भी समझ लीजिए, वुरलीज जो है यहां पर वरली शाखाओं झाड़ियों के घास से निर्मित एक आश्रय स्थल है। मतलब इस आश्रय स्थल को किससे बनाया जाता है, शाखाओं झाड़ियों एवं घास से निर्मित किया जाता है। और बिंदीबू किस जनजाति के लोग यहां पर निवास करते हैं, बिंदीबू जनजाति के लोग यहां पर निवास करते हैं। और सर्म्स में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं, बुशमैन। तो अब दी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, जनजातियों द्वारा निर्मित आश्रय स्थल है। आइए चौदहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सोना कोलार सही है, कोयला झरिया बिल्कुल सही है, लॉय अयस्क गुंटूर ये गलत है, चौथा हीरा पन्ना ये भी सही है। देखिए लॉय अयस्क हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लॉय अयस्क हमें कहां मिलते हैं, तो लॉय अयस्क की अगर हम लोग बात करें यहां पर तो लॉय अयस्क उड़ीसा के बोनोई, क्योंझोर और मयूरभंज है ना, कहां पे, क्योंझोर, मयूरभंज और बोनोई यहां से मिलते हैं।
गुंटूर गलत है ना। तो ये तीसरा वाला जो सुमेलन है वो आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। आइए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोम्बेक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो देखिए क्या पूछा गया है, लोम्बेक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उत्तर बताइए आप लोग। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो पहले तो देखिए समझ लीजिए कि जलडमरू मध्य हम लोग कहते किसको है। तो पानी के ऐसे सकरे रास्ते को जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है, जल संधि या जलडमरू मध्य कहते हैं। पानी का एक ऐसा सकरा रास्ता जो जल के दो बड़े समूहों को जोड़ता है उसको हम जलडमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, बाली एवं लोम्बेक। लोम्बोक इसके बारे में और जान लीजिए, ये इंडोनेशिया में है। क्लियर? तो देखिए लोम्बोक जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्लियर? ये किस किस को जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और ये इंडोनेशिया में स्थित है, बाली एवं लोम्बोक के मध्य, है ना। हाँ, इंडोनेशिया में बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। आइए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? फॉकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा बी, ब्राजील धारा। देखिए ब्राजील धारा गर्म जल धारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा ठंडी जल धारा है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ब्राजील जल धारा। क्लियर? आइए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है जब भी थोड़ा सा कठिन माहौल होता है तो मन में एक उदासी छा जाती है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, पूरा देश हम सब लोगों के मन में एक नकारात्मकता उदासी है। देखिए एक जो स्टूडेंट होता है उसका एक ही धर्म होता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने अध्ययन को ना छोड़े। अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ, कितनी भी विषम परिस्थिति हो आपको 4 से 5 घंटे डेली अध्ययन करना है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आपका केवल एक ही कर्म है। एक स्टूडेंट की ना तो कोई जाति होती है, ना तो कोई अर्थव्यवस्था होती है, ना तो कोई धर्म होता है, उसका केवल एक ही कर्म होता है, क्या? अध्ययन करना। अगर आप दुनिया भर की नकारात्मकताओं को सोचते हुए अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप विचार लीजिए कि अपना आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि जिनको चयनित होना है वो लगातार अपने अध्ययन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग अपने अध्ययन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। आप डेली अपने अध्ययन के लिए इतना समय निकालें कि आपकी पढ़ाई लिखाई ना रुके। ये अपने कमजोर पक्षों पर कार्य करने का समय है, अपने बारे में सोचने का समय है, तो इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। आप सभी लोग मेरे प्रिय हैं और मैं एक अच्छे सीनियर की तरह आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे छोटे हैं, एकदम बच्चे की तरह हैं। आप लोग पढ़िए, सभी छोटे भाई बहन की तरह हैं और मजबूती से आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। टारगेट बृतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा है। आइए 17वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखा है जरा सा देखिए इसमें। लिखा है ओस, अमन और बोरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? देखिए एक चीज स्पष्ट करिए, पहले तो आप चारों विकल्प अच्छे से एक बार देखिए इन चारों विकल्प को। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है उसका प्रमुख भोजन चावल है, हम सभी लोग जानते हैं। क्लियर? और चावल जो है इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल माना जाता है। मतलब अधिकांश जनसंख्या चावल का उपभोग करती है और ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल को माना जाता है। लगभग अगर हम अपने भारत में देखें तो 3000 किस्म का जो है चावल हम लोग उगाते हैं। यहां पर ये प्रश्न भी वहीं से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो प्रमुख रूप से इन 3 किस्मों के चावल को उगाते हैं, ओस, अमन और बोरो। तो ये चावल की अच्छी किस्मों में शुमार है और पश्चिम बंगाल में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली ये चावल की फसलें हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ये प्रश्न 2 बार आपसे कमीशन पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ प्रश्न देखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो होते आसान है ना। ऐसे अच्छे प्रश्नों के संकलन को अगर आप हल कर रहे हैं तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और एक समझ भी आपकी इस पर विकसित होगी। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए करते हैं, ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, आप लोग समझ रहे हैं। वैकाल रशियन फेडरेशन बिल्कुल सही है, मलावी एशिया ये गलत है, मलावी एशिया में नहीं है, अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप बिल्कुल सही है, ये दोनों में है। और
तंगानिका अफ्रीका में, ये भी सही है। तो ये जो मलावी आपका एशिया लिखा है, ये मलावी आपका गलत है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मलावी है वो एशिया में नहीं है बल्कि कहां पे है, अफ्रीका में है। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो आपको आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है उसका सीधा सीधा संबंध है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से ये संबंधित है। 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 इससे संबंधित है और ये वयस्क मताधिकार को प्रदान करता है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार के अधिकार प्रदान करता है। क्लियर। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से उठाकर 18 वर्ष किया गया था। ये डिटेल को आप नोट करिएगा, आपके लिए जरूरी है। फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये प्रश्न दो बार आपसे पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 323 जो है, जो इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2330 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है, 24 जो है वो निर्वाचनों के निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। और अनुच्छेद 325 जो है वो धर्म, मूल वंश और लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन से संबंधित है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है इसका सही उत्तर होगा आपका ए। आइए, क्लियर है। 21वां प्रश्न है, ग्रामीण एवं स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? हम सभी लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ग्राम स्वराज की भावना उनके ही अंदर थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो है उत्पादन के जो साधन है और संसाधन है उनका समान वितरण प्रत्येक गांव तक होना चाहिए, और जब एक गांव विकसित हो जाएगा तो हमारा राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाएगा। हमारे पूरे संविधान पर गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के वो सबसे बड़े वाहक थे। तो इसका सही उत्तर होगा M.K. गांधी। पंचायती राज्य के बारे में मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि पंचायती राज्य का जो प्रारंभ था वो कब हुआ था बताओ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां हुआ था? राजस्थान के नागौर से। कहां हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। 1998 में आंध्र प्रदेश में इसका ट्रायल किया गया था, और 1959 में सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू किया गया, उसके तुरंत बाद फिर आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। और फिर हम लोग जानते हैं कि इसको फिर संवैधानिक प्रावधान दिया गया था कब? 1993 में। क्लियर। 1993 में इसको संवैधानिक प्रावधान दिया गया था संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था जिसका शीर्षक पंचायत है, और अनुच्छेद 243 था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 29 ऐसे विषय थे जिसमें पंचायत को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। समय लग गया इसको संवैधानिक प्रावधान बनाने में, लेकिन 1959 से लेके 1993 तक की जर्नी इसने तय की, और ये महात्मा गांधी का सपना जाके यहां पर साकार हुआ। आइए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? देखिए, गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता, पहले तो ये समझ लीजिए गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा हम कहते किसको है। गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा जो है वो आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। एक निश्चित दहली आवृत्ति, ये दहली लाइन एक होती है आपकी, जिसको हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा, या जैसे हम कहते हैं एक निश्चित आय से नीचे जहां पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं क्या बताइए? गरीबी रेखा, या उससे नीचे। अब सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है, तो देखिए यहां पर हम लोग स्पष्ट कर दें कि
निरक्षरता दर इसमें शामिल है, उसको सामाजिक सूचक समझा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल तक की पहुंच की कमी भी शामिल है, रोजगार के अवसरों की कमी शामिल है, परिवहन के साधनों की कम संख्या इसमें शामिल नहीं है, है ना। तो इसका पहला जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? देखिए, नाबार्ड नहीं है, एसबीआई नहीं है, आरबीआई आपका होगा। आरबीआई के प्रमुख तीन कार्य है, एक तो सरकार को सलाह देना, दूसरा बैंकों का नियमन और तीसरा है खातों की देखरेख। ये तीन कार्य प्रमुख रूप से हैं। इस समय यहां पे पूरा फोकस है, आप लोग देख रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए? सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? विज्ञान से आपका प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर आप लोग करिए। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है? देखिए, समझ लीजिए, इसका सही उत्तर होगा डी, F.W. टेलर को हम वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। एक बार ये समझ लीजिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या, इसको समझ लीजिए। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है, आप लोग पूछी भी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। विज्ञान को हम लोग कहते हैं स्वव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान को हम कहते हैं स्वव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट वैज्ञानिक प्रबंधन का स्पष्ट अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। तो F.W. टेलर और इनकी किताब, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। 25वां प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? आयाम से मापी जाती है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 26वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, आइए। लिखा है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण, संवहन, चालन। देखिए, संवहन और चालन ऊष्मा संचरण के ऐसे प्रकार हैं जिनके लिए माध्यम आवश्यक है, लेकिन विकिरण ऊर्जा संचरण का एक ऐसा प्रकार है जिसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए, ये ऊष्मा संचरण के ऐसे प्रकार है जिनके लिए माध्यम अनिवार्य है। क्लियर, तो ए उत्तर हमारा यहां पर सही होगा। 27, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। अब मैं कुछ और आपको तत्व बता रहा हूं यहां पर जो कांच के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, फेरिक जो ऑक्साइड होता है कांच में मिलाए जाने वाले पदार्थ, तो फिर कांच का रंग जो बदलता है, फेरिक ऑक्साइड जो आपका होता है वो कांच को भूरा कर देता है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो कांच को हरा कर देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो कांच को गहरा नीला कर देता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड जो होता है वो कांच को चटक लाल कर देता है, और कैडमियम सल्फाइड जो होता है वो कांच को नींबू जैसा पीला कर देता है, जिसको हम लोग लेमन एलो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमन एलो कहते हैं। आइए, 28वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, क्षय रोग इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, वो जीवाणु जनित रोग है। क्लियर है, आइए। अब इसके लिए, क्षय रोग जिसे तपेदिक या आम भाषा में टीबी के रोग से जाना जाता है, इस रोग में उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु से यह रोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षय रोग को क्या कहते हैं, टीबी। खसरा, रेबीज, जो पोलियो, जो तीनों ही है, ये क्या है, वायरस है। मतलब ये जो आपका क्षय रोग है ये बैक्टीरिया है, बाकी खसरा, रेबीज, जो पोलियो, तीनों क्या है, वायरस है। तो देखिए, खसरा किससे होता है? मोरविली वायरस से होता है। क्लियर है, हाँ। रेबीज किससे होता है? रेबडो वायरस से। क्लियर है। और तीसरा, पोलियो किससे होता है? पोलियोमेलाइटिस वायरस से होता है। क्लियर, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? क्षय रोग इसका उत्तर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है,
ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग सभी लोग जानते हैं सीएफसी के द्वारा होता है, सीएफसी है ना। और सीएफसी के द्वारा इसका जब बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे कुछ निर्णय लिए गए। फिर इसके बाद जो हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी जैसे उपकरण है उनको दूसरे प्रकार से बनाने की कवायद प्रारंभ की गई कि इसके क्षरण को रोका जा सके, है ना। तो इसका जो सही जो आपका उत्तर होगा वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में की गई है। तो इस श्रृंखला में मैंने 30 प्रश्न रखे थे, आपको इस श्रृंखला कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी तरह से मैं बहुत महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तेजी से आप लोग रिवीजन करिए, बिल्कुल आप आशान्वित रहिए, परेशान मत होइए, बहुत अच्छा समय आने वाला है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूं, जल्द ही आपसे फिर से पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा, ये श्रृंखला और ये कलेक्शन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।